स्वागत है आपका हमारे रिटेल ज्वेलर यूट्यूब चैनल में। तो पहली बार इतने सालों में IIJS एक वर्चुअल फॉर्मेट में होने जा रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? तो IIJS है वो इंडिया का बहुत ही बड़ा एक एग्जीबिशन प्लेटफॉर्म है जो जिसने वर्ल्ड लेवल पे एक नाम बनाया हुआ है। और अभी जो ये गैप में जो शादियां नहीं हुई है तो वो सब, और अभी आगे फेस्टिवल सीजन है जो शादियों के सीजन है, तो वो सब के लिए वो एक बाउंस बैक हमें मिलेगा। लोगों को भी हम कहते हैं कि आप IIJS वर्चुअल में हमसे जुड़िए और एक जो नए सीजन के लिए नई तैयारियां शुरू कर दीजिए। तो इस IIJS वर्चुअल में कौन कौन से कलेक्शंस प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रिटेलर्स के लिए? 22 कैरेट में इंडो इटालियन स्टाइल ज्वेलरी में सबसे पहले हमारा जो एवरग्रीन कलेक्शन है अमोर है, जिसमें लेजर फिलीग्री और CNC डायमंड फैसेटिंग का कॉम्बिनेशन से पूरी चीजें बनाते हैं। उसके बाद हमारा अमोर एस्ट्रो कलेक्शन है जिसमें अल्ट्रा लाइट वेट होलो फिलीग्री का सब काम है। फिर हमारा सौभाग्य कलेक्शन है जो ब्राइडल चीजें है, उसमें बेंगल्स है, मंगलसूत्र है। फिर हमारा ओस्पिया कलेक्शन है जो वर्सेटाइल रिवर्सेबल कलरफुल एंड स्पार्कलिंग है। फिर हमारा ओमेज कलेक्शन है जिसमें हम डबल लेयर ज्वेलरी है वो भी अल्ट्रा लाइट वेट CNC और लेजर का काम है उसमें। फिर अभी एक ओसपल है जिसमें बीकानेरी पक्का मीना, खाखो मोती और लेजर, वो तीन का कॉम्बिनेशन के लिए पल ज्वेलरी हमने बनाया हुआ है। मेंस ज्वेलरी है जो होलो मेंस चेन है, तो मेंस के लिए हमने स्पेशली 18 कैरेट में कलेक्शन लॉन्च किया है किड्स ज्वेलरी, जिसमें हमने 300 मिली से स्टार्ट करके 10 ग्राम तक के किड्स ज्वेलरी है। उसमें किड्स के पेंडेंट है, पेंडेंट सेट है, ब्रेसलेट है, कडली ब्रेसलेट है, बच्चा कडली है। इसमें से लॉकडाउन के बाद जब आप लास्ट 2-3 महीने से जब आप बात कर रहे हैं रिटेलर्स के साथ, किस कौन सा ऐसा कलेक्शन है एक जो आपको दिख रहा है कि उसमें बहुत अच्छा पिकअप है और लोगों को पसंद आ रहा है और रिटेलर्स के कस्टमर्स को भी पसंद आ रहा है? एक तो जो हमारा अमोर कलेक्शन है उसमें जो कस्टमर के जो भी फीडबैक थे वो सबको लेके हमने उसको रीडिजाइन किया है, तो उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो किड्स ज्वेलरी है, मैंने आपको जैसे बताया कि किड्स ज्वेलरी अभी लाइट वेट है और किड का एक इम्पोर्टेंस के लिए ये चीजें का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप ये देखते हैं कि ये एक नया ट्रेंड है कि लोग अभी जो ये टायर 2 से टायर 4 सिटीज है यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं? जो नरेंद्र मोदी का जो एक स्लोगन है कि भाई वोकल फॉर लोकल, तो अभी लोग जो है कि उनके आसपास से ज्यादा परचेजिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो सभी अभी क्या है कि कई ऐसी है, ब्राइडल ज्वेलरीज है, फैंसी ज्वेलरीज है, टायर 2 टायर 3 सिटीज में लोग उसका स्टॉक कम रखते थे, तभी वो अगर उसका स्टॉक बढ़ाएंगे तो उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे के समय में। राजकोट स्पेशली यू नो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, एकदम इनोवेटिव सिटी है, इनोवेटिव शहर है और लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। सो आप राजकोट के लिए कुछ कहेंगे? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना और उसे बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी बनाना, ये राजकोट के लोगों की एक सोच में आया हुआ है। उसको ध्यान में रखते अभी काफी सारी जो अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट है जो पहले इम्पोर्ट होती थी वो सब चीजें अभी राजकोट में बनने लगी है और उसी क्वालिटी उसी फिनिशिंग के साथ जा रही है। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।